हेलो दोस्तों, IDBI ESO एग्ज़ाम 2024 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, 26 से लेकर 1 दिसंबर तक ये एडमिट कार्ड उपलब्ध रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम आपको डायरेक्ट लिंक देंगे जहां से मात्र एक क्लिक में आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं उस परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अब देखिए दोस्तों, सभी के मोबाइल में कंप्यूटर ये क्रोम ब्राउज़र होता है मोबाइल या कंप्यूटर में, तो हमें क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। गूगल खुल गया है, गूगल सभी खोलना आता ही होगा। अब वह वेबसाइट डालेंगे जहाँ से मात्र एक क्लिक में एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो गूगल में हमें लिखना है दोस्तों VMCCAM। गूगल के अंदर सिर्फ इतना सा लिखना है, VMCCAM लिखकर इसको सर्च कर देना है। मैंने सर्च कर दिया, आप भी सर्च कर देना। सब सर्च करते ही सबसे ऊपर वेबसाइट दिखाई देगी VMCCAM। इसको यहीं पर क्लिक करके इस वेबसाइट को इसे खोल लेना है। अब वेबसाइट खुल चुकी है। अब एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड होगा ध्यान से देखें। तो पहले नंबर पर आएगा न्यू रिजल्ट का सेक्शन, न्यू रिजल्ट। उसके बाद आएगा दूसरे नंबर का, ये भी न्यू रिजल्ट का सेक्शन है। तीसरे नंबर पर आएगा न्यू एडमिट कार्ड, इसमें भी नहीं। चौथे नंबर पर जाना है हमें, एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पाना है, एडमिट कार्ड चौथे नंबर। अब इसमें पहले ही पोस्ट है IDBI ESO एडमिट कार्ड 2024। आने वाले समय में ये पोस्ट आपको नीचे दिखाई दे सकती है, और पोस्ट दिखा रही है CUT UG RBSC 5th and 8th रिजल्ट है ना। तो अभी पहले नंबर पर दिखा रहा है ये, इसी पोस्ट को हम यहाँ से क्लिक करके खोलना है। मैं भी क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से पोस्ट खुल गई है दोस्तों। आपको नीचे की तरफ शेयर के बटन दिखाई देंगे पट्टी में, वहाँ से इस पोस्ट को शेयर कर दे, फेसबुक व्हाट्सअप सभी जगह। अब देखिए दोस्तों, इस पोस्ट में थोड़ा नीचे चलेंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे और ये देखिए दोस्तों, ये रहा डायरेक्ट लिंक IDBI ESO एडमिट कार्ड 2024 डाउनलोड नाउ। तो आपको करना क्या है, इस लिंक पर क्लिक कर देना। मैं भी आपके सामने लिंक पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते हैं, देखिए दोस्तों, कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जाम रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव सेल्स ऑफ ऑपरेशन ESO 2025-26। आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, उसके बाद अपना पासवर्ड डाल देना जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी पासवर्ड। फिर यहाँ पर ये MZXKT ये वाला कोड यहाँ डाल देना है, लॉग इन कर लेना है और आपका एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पर लिखाई पड़ा है नीचे, कमेंसमेंट ऑफ कॉल लेटर डाउनलोड होगा 26 से डाउनलोड स्टार्ट हुआ है, क्लोजर हो जाएगा 1 तारीख 12 महीने में, यानी 4 या 5 दिन है। इस प्रकार से यहां से आप डायरेक्ट वेबसाइट मैंने आपको दे दी है, यहां से डाउनलोड कर सकते हो। चैनल को शेयर कर दे, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले समय में इससे जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी हम चैनल पर डालते रहते हैं, तो आपको जानकारी मिल जाएगी बिना कोई टेंशन के, या फिर बिना कोई डायरेक्ट जानकारी देते हम। वीडियो को शेयर कर दे, धन्यवाद दोस्तों।